जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल आर्मी जीके जीएस में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चन के बारे में, जिसमें इस टॉपिक में भारत में प्रथम महिला कौन क्या रही हैं। चलिए हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। भारत में पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? ऑप्शन नंबर ए मीरा कुमारी, ऑप्शन नंबर बी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ऑप्शन नंबर सी इंदिरा गांधी। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ऑप्शन नंबर ए नीरजा मानोट, ऑप्शन नंबर बी राधाबाई सुब्रायन, ऑप्शन नंबर सी इंदिरा गांधी। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी इंदिरा गांधी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन नंबर ए आरती साहा, ऑप्शन नंबर बी संतोष यादव, ऑप्शन नंबर सी मीरा कुमारी। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी मीरा कुमारी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर, भारत की प्रथम महिला राज्यसभा अध्यक्ष कौन थी? भारत की प्रथम महिला राज्यसभा अध्यक्ष कौन थी? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी वायलेट अल्वा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव, भारत की प्रथम महिला सांसद कौन थी? ऑप्शन नंबर ए मीरा कुमारी, ऑप्शन नंबर बी राधाबाई सुब्रायन, ऑप्शन नंबर सी सरोजिनी नायडू। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी राधाबाई सुब्रायन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? ऑप्शन नंबर ए दुर्गी बनर्जी, ऑप्शन नंबर सी बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर सी पुनीत अरोड़ा। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी सरोजिनी नायडू। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन नंबर ए मच्छेंद्री पाल, ऑप्शन नंबर बी रीता फारिया, ऑप्शन नंबर सी रोज मिलियन मैथ्यू। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी रोज मिलियन मैथ्यू। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर एट, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? ऑप्शन नंबर ए रजिया सुल्तान, ऑप्शन नंबर बी सुचेता कृपलानी, ऑप्शन नंबर सी किरण बेदी। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रजिया सुल्तान इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन है, भारत की प्रथम महिला आईएएस कौन थी? इसमें कुछ मिस्टेक हो गई है क्वेश्चन में। भारत की प्रथम महिला आईएएस कौन थी? ए अन्ना जॉर्ज, बी सुष्मिता सेन, सी संतोष यादव। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए अन्ना जॉर्ज। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर टेन, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? ऑप्शन नंबर ए किरण बेदी, ऑप्शन नंबर बी पूजा यादव, ऑप्शन नंबर सी रीता फारिया। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए किरण बेदी। भारत की अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ऑप्शन नंबर ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर बी सुचेता कृपलानी, ऑप्शन नंबर सी सोनिया गांधी। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सुचेता कृपलानी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी?
भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी? ऑप्शन नंबर ए नीरजा मानोट, ऑप्शन नंबर बी आरती शाह, ऑप्शन नंबर सी राजकुमारी अमृता कौर। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, सी इसका सही हो जाएगा, राजकुमारी अमृता कौर। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी? अगला क्वेश्चन है, प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन नंबर ए लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन नंबर बी फातिमा बीवी, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर एनी बेसेंट। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, सी इसका सही हो जाएगा, डॉक्टर एनी बेसेंट, डॉक्टर एनी बेसेंट इसका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? ऑप्शन नंबर ए मीरा साहेब फातिमा बीवी, ऑप्शन नंबर बी नीरजा भानोट, ऑप्शन नंबर सी पूर्वा जैन। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ए इसका सही हो जाएगा दोस्तों, मीरा साहेब फातिमा बीवी, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हाई कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? ऑप्शन नंबर ए भंडार नायके, ऑप्शन नंबर बी लीला सेठ, ऑप्शन नंबर सी कल्पना चावला। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, बी इसका सही हो जाएगा दोस्तों, लीला सेठ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? ऑप्शन नंबर ए रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन नंबर बी मदर टेरेजा, ऑप्शन नंबर सी नीरजा भानोट। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, सी इसका सही हो जाएगा, नीरजा भानोट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला राजदूत कौन थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला राजदूत कौन थी? ऑप्शन नंबर ए राधाबाई, ऑप्शन नंबर बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर सी विजयलक्ष्मी पंडित। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सी इसका सही रहेगा, विजयलक्ष्मी पंडित, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम महिला कौन थी? ऑप्शन नंबर ए आरती साहा, ऑप्शन नंबर बी सुष्मिता सेन, ऑप्शन नंबर सी इंदिरा गांधी। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दोस्तों इसका ए सही हो जाएगा, आरती साहा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नोबल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? ऑप्शन नंबर ए मदर टेरेजा, ऑप्शन नंबर बी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर सी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए मदर टेरेजा को नोबल पुरस्कार मिला था, मदर टेरेजा को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? प्रियंका चोपड़ा, सुष्मिता सेन, रीता फारिया। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, सी इसका सही हो जाएगा, रीता फारिया, रीता फारिया इसका सही होगा। तो दोस्तों हमने कुछ जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 20 क्वेश्चन किए हैं, जो जीके के बहुत वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो आने वाली आर्मी एमपी पुलिस रेलवे में पूछे जाते हैं। जय हिंद साथियों, तो चलते हैं, जय हिंद जय हिंद।